नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब साइबर अपराधियों के बिहार में खैर नहीं। बिहार में जल्द ही होगा मंत्रिमंडल फेरबदल और बोर्ड निगम का गठन। बिजली का कनेक्शन लेना अब होगा आसान। वैशाली जिले के 3 पंचायतों को किया गया सम्मानित। शिक्षक नियोजन में बड़ी गड़बड़ी आई सामने। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब साइबर अपराधियों की बिहार में खैर नहीं। बिहार में कोरोना काल में साइबर अपराधियों की संख्या बढ़ गई है, जिसके कारण आए दिन आम लोग इसका शिकार बन रहे हैं। खासकर बिजली बिल के नाम पर बीते कई दिनों से ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ही अब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने नया पैंतरा आजमाया है, जिसके तहत इन साइबर अपराधियों पर अब IOU नकेल कसने वाली है। कंपनी के CMD संजीव हंस के आग्रह पर बिहार आर्थिक अपराध इकाई के ADG नैयर हसनैन खान ने SP सुशील कुमार को पीड़ित बिजली उपभोक्ताओं के मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। संजीव हंस की माने तो साइबर अपराध जैसे मामलों में निपटने के लिए कंपनी विज्ञापन के माध्यम से ही बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक करने का काम कर रही है। बिहार के 12 मेडिकल कॉलेज में कीमोथेरेपी और पॉलीएक्टिव केयर की होगी सुविधा। बिहार के 12 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैंसर मरीजों को दर्द से निजात दिलवाने के लिए आने वाले जुलाई अगस्त महीने में एक तरफ जहां 10-10 बेड की कीमोथेरेपी वार्ड की शुरुआत होने वाली है, साथ ही चौथी स्टेज के मरीजों के लिए पॉलीएक्टिव केयर वार्ड बनाने का काम भी होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना को लेकर काम शुरू कर दिया है। इसको लेकर ही अस्पतालों को कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए कीमोथेरेपी और पॉलीएक्टिव केयर वार्ड के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में कैंसर मरीजों के वास्तविक आंकड़ा जुटाने के लिए होमी भाभा कैंसर सेंटर के सहयोग से 14 जिलों से कैंसर स्क्रीनिंग का कार्यक्रम चला रहे हैं। बिहार बीएड के लिए आज से शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में नामांकन के लिए आज से अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने का विकल्प खोल दिया गया है, जिसके तहत अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 17 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही लेट फाइन के साथ 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 13 अप्रैल को CET बीएड 2022 में नामांकन को आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की गई थी। 2 वर्षीय इस बीएड एवं शिक्षा शास्त्र की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए नामित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने वेबसाइट लॉन्च की थी। अभ्यर्थी अब अपने मोबाइल से भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। राहत की बात यही है कि लगातार 30वीं बार प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है। हर साल ही लाखों परीक्षार्थी इसमें शामिल होते हैं। शिक्षक नियोजन में बड़ी गड़बड़ी आई सामने। बिहार में चल रहे शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को लेकर हर दिन अलग अलग खबरें सामने आती रहती हैं। ताजा जानकारी के अनुसार प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। 18 अप्रैल को ही अलग नियोजन इकाई में 1377 अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से किया गया था। इनमें से 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप से चयनित कुल 445 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिक्षा विभाग को ये आशंका है कि इन अभ्यर्थियों की तरफ से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए जाने का फर्जी प्रमाण पत्र दिया गया है। इसकी डिटेल जांच कराई जा रही है। IGIMS में अब एंट्री के लिए कोरोना जांच हुआ जरूरी। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की OPD में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मंगलवार से कोरोना जांच करवाना अनिवार्य हो गया है। दिल्ली, मुंबई, यूपी आदि अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संस्थान प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। ओपीडी के अलावा भर्ती होने के पहले भी कोरोना जांच की रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य कर दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए IGIMS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। संस्थान के 5 डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सभी पॉजिटिव डॉक्टरों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है, मगर फिर भी एहतियातन मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास ही कोरोना वायरस की जांच किए जाने की बात कही गई है। वैशाली जिले के 3 पंचायत को किया गया सम्मानित। बिहार के वैशाली जिले के लिए रविवार का दिन बेहद ही ऐतिहासिक रहा, जब प्रधानमंत्री ने खुद जिले को 3 पंचायतों को सम्मानित करने का काम किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली की 3 पंचायतों को अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए जहां एक प्रखंड क्षेत्र का अधवारा पंचायत को सम्मान मिला, वहीं भगवानपुर प्रखंड के मंगनपुर पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जम्मू से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PM ने सभी को सम्मानित करने का काम किया। स्थानीय स्तर पर भी प्रखंड स्तर के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने प्रशस्ति पत्र देकर संबंधित मुखिया को सम्मानित करने का काम किया है। बिहार में जल्द ही होगा मंत्रिमंडल फेरबदल और बोर्ड निगम का गठन। हाल ही में देश के गृहमंत्री अमित शाह बिहार आए थे, जहां पर ही उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई थी।
हालांकि इस बैठक में क्या बात हुई उस पर अब तक कोई जानकारी सामने तो नहीं आई थी, लेकिन अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके अनुसार अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात में बात बन गई है और जल्द ही अब बिहार में मंत्रिमंडल में फेरबदल और बोर्ड निगम का गठन होने वाला है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट में भाजपा कोटे के मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। संभावना है कि आधे से ज्यादा मंत्री कैबिनेट से बाहर होंगे। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता विनोद शर्मा की माने तो बिहार में जल्द ही बोर्ड निगम और आयोग का गठन होने वाला है। देश के 129 शहरों में सबसे प्रदूषित शहर पटना, बिहार की हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। रविवार की ही बात करें तो राजधानी पटना की हवा खराब श्रेणी में बताई गई है, जो कि देश के 129 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। वहीं मुंगेर दूसरे स्थान पर रहा। इन शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादा हो गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार पटना शहर दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित है। दिल्ली का सूचकांक 261 रहा। बिहार के अन्य शहरों में मुजफ्फरपुर का 332, बिहार शरीफ का 309 और हाजीपुर का सूचकांक 290 रहा। बिजली का कनेक्शन लेना अब होगा आसान। बिहार में अब अगर आप नया बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो ये पूरी खबर आपके लिए है। दरअसल बिहार बिजली विभाग ने बिजली के नए कनेक्शन को लेकर बदलाव किया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो अब बिजली के नए कनेक्शन लेने के लिए जमीन की रसीद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी बताया जा रहा है कि आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग इस तरह के नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसमें ये कहा गया है कि अब नए कनेक्शन लेने के लिए आपको जमीन की रसीद के बदले में अब शपथ पत्र जमा करने की बात कही गई है। आगे हम आपको ये भी बता दें कि आखिर विभाग ने जमीन की रसीद को मांगने से क्यों इनकार कर दिया है। विभाग की तरफ से ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोग सालों से जिस मकान में रह रहे हैं और उस मकान का कागजात उनके पास नहीं होता, ऐसे में बिजली कनेक्शन में परेशानी आ सकती है। बिहार में पारा पहुंचा 42 डिग्री के पार। बिहार में गर्मी की मार हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। शहर का तापमान फिर से 42 डिग्री तक पहुंचने लगा है, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक है, जिससे लोग गर्मी से बेहाल हो गए हैं। सुबह 10 बजे से ही धूप इतनी तीखी हो जाती है कि उसे झेलना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो 30 अप्रैल तक बिहार के अधिकांश शहर का पारा इसी के आसपास बना रहेगा और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। IIIT भागलपुर पीएम अवार्ड के लिए हुआ शॉर्टलिस्ट। एक ओर जहां पूरे देश दुनिया में कोरोना का कहर जाने का नाम नहीं ले रहा, इस बीच इससे बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना के बीच बचते हुए लोग रहना भी सीख रहे हैं। ऐसे में IIIT द्वारा तैयार अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से एक्सरे देखकर कोरोना की जांच रिपोर्ट देखते ही 4 सेकंड में आ जाती है। इस अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर को प्रधानमंत्री के लिए जिला प्रशासन स्तर से सॉफ्टवेयर की जानकारी केंद्र को भेजी गई थी। आपको बता दें कि सॉफ्टवेयर का कई जगह ट्रायल के तौर पर प्रयोग भी हो चुका है, जिसमें ये पूरी तरह सफल रहा है और अब इस कोविड सॉफ्टवेयर को प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। लंबित जमानत याचिका को लेकर हाईकोर्ट हुआ गंभीर। लंबित जमानत याचिका को लेकर पटना हाईकोर्ट पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहा है, जिसके तहत ही आज से पटना हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। मेरी जानकारी के अनुसार इन जमानत याचिकाओं की सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट में आधा घंटा अलग से सुनवाई की जाएगी। पटना हाईकोर्ट सोमवार से आधे घंटे यानी कि शाम 4:15 से 4:45 तक अतिरिक्त समय में इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। AES मरीजों की होगी खास जांच। 12 जिलों के लिए खरीदी गई मशीनें। बिहार में गर्मी के बढ़ने के साथ ही AES JE जैसी कई बीमारियां अपना रौद्र रूप दिखाने लगती है, जिसको की नियंत्रित करना बिहार सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में इस बार भी मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ ही एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम पीड़ितों की जांच को लेकर इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर मशीन की खरीद होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने AES प्रभावित 12 जिलों को मशीन की खरीद की अनुमति दे दी है। इन्हीं जिलों में अब पटना, गोपालगंज, सारण, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली शामिल है। इस मशीन को सभी प्रभावित जिलों के सदर अस्पतालों में लगाया जाएगा, जहां AES प्रभावित मरीज की तत्काल जांच की जा सकेगी। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के एक्टिव केस के मामले। देश भर में कोरोना के नए मामले फिर से डराने लगे हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में 2541 कोरोना केस दर्ज किए गए। सोमवार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने सोमवार सुबह 24 घंटों में 2541 कोविड-19 के केस दर्ज किए, जो पिछले दिन रविवार को दर्ज किए गए 2593 संक्रमण केस से मामूली कम है। सोमवार को जहां 2541 कोविड केस दर्ज किए गए, वहीं पिछले 24 घंटे में 1862 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं और 30 लोगों की कोरोना से जान गई है। देश में कोरोना वायरस एक्टिव केस की संख्या 16,522 हो गई। अब तक कोरोना से होने वाली कुल जान गंवाने वालों की संख्या 5,22,223 पर पहुंच गई है। मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ से बाहर होने पर भड़के रोहित। 5 बार की चैंपियन रही मुंबई इस बार शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ लीग से बाहर हो गई है। IPL 2022 मुंबई इंडियंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था।
आईपीएल 2022 में मुंबई को लगातार 8 मैचों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने हार की वजह बताई है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 36 रन की हार के बाद कहा कि उनके बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराशाजनक प्रदर्शन किया। लगातार 8वीं बार हार का सामना करने के बाद कप्तान रोहित ने कहा कि हमने अच्छी गेंदबाजी की और उन्हें कम स्कोर पर रोका। हालांकि हम अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सके, हमने साझेदारी नहीं की और खराब शॉट खेला। मैं भी खराब शॉट खेलने वालों में शामिल था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रवि कुमार राज, कल्याणी चौधरी, मिथुन कुमार पंडित, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, रविशंकर, परवेज आलम, गुड्डू कुमार, लक्ष्मी कुमार, अमित कुमार मांझी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता अब तक के कौन रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।